आगामी 28 सितंबर को विवेक अग्निहोत्री द्वारा निर्देशित एवं पल्लवी जोशी द्वारा निर्मित द वैक्सीन वार हिंदी फिल्म रिलीज होने वाली है, जिसमें लीड रोल में नाना पाटेकर नजर आएंगे। जिसके विषय में जानकारी देने के उद्देश्य से फिल्म के निर्देशक विवेक अग्निहोत्री एवं निर्माता पल्लवी जोशी द्वारा पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया था। इस समय उन्होंने फिल्म के विषय में जानकारी दी। पत्रकारों से बात करते हुए फिल्म के निदेशक विवेक अग्निहोत्री ने बताया कि कोविड काल के दौरान ऐसा समय था जब लोग सृष्टि के निर्माण के विषय में सोच रहे थे और आगे क्या होगा इसकी चिंता में जी रहे थे। जब आशाएं खत्म हो चुकी थी, जीने की राह खत्म हो चुकी थी, उस समय वैक्सीन निर्माण का तनाव वैज्ञानिकों पर आया था और जिस प्रकार से सिनेरियो बनाया गया था कि भारत कुछ नहीं कर सकता, इस संभ्रम को दूर करने के लिए जिस प्रकार से वैज्ञानिकों ने युद्ध स्तर पर प्रयास किया, साथ ही साथ पूरा सिनेरियो दिखाने की कोशिश फिल्म में की गई है। जब लॉकडाउन लगा था तो सारा हर आदमी यही सोच रहा था, सृष्टि कैसे बनी, हम कहां से आए हैं, कहां जाएंगे, क्या ईश्वर, और ये सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ। इसका पहला जो साइंटिफिक वैज्ञानिक फॉर्मूला है वो ऋग्वेद में नासदीय सूक्त नाम से है, आप लोग गूगल भी कर लीजिएगा। तो मुझे ये लगा कि ये बहुत अच्छा मौका है इस फिल्म में उसको लाने का, ताकि नई जनरेशन को ये पता चले। सब लोग जो बोलते हैं कि साइंस सिर्फ चाचा नेहरू लेके आए, तो कम से कम भारत के जवान लोगों को ये पता चले कि चाचा नेहरू साइंस इस देश में नहीं लेके आए, साइंस तब से है जब पहला ग्रंथ लिखा गया था ऋग्वेद, विश्व में सबसे पहला सृष्टि का निर्माण कैसे हुआ, इसका साइंटिफिक फॉर्मूला हमारे राष्ट्र में ऋग्वेद में लिखा गया, जिसका नाम है नासदीय सूक्त। तो मुझे ऐसा लगा कि ये विश्व को ये बताने की आवश्यकता है कि भारत साइंस के मामले में कितना आगे है, और हमने साइंस और स्पिरिचुअलिटी को जोड़ के हमेशा हम आगे बढ़े। शिव की भी जो सारी बात है वो साइंस एंड स्पिरिचुअलिटी जुड़ती है। आज शिवा की जो पूरी फिलॉसफी है उसको क्वांटम फिजिक्स भी मानती है, और जो विश्व की जो सबसे बड़ी लैब है सर्न लैब स्विट्जरलैंड में न्यूक्लियर फिजिक्स सॉरी क्वांटम फिजिक्स थी, उसमें जब घुसिए तो सबसे पहले घुसते ही साथ बड़ी सी एक स्टैचू लगी है शिव की तांडव नृत्य में। वर्ल्ड के जितने भी साइंटिस्ट हैं, मॉडर्न साइंटिस्ट हैं, वो सब शिव को मानते हैं। सरस्वती भी देखिए पूरा साइंस पे बेस्ड है। भारत की पूरी जिसको आप माइथोलॉजी बोलिए या उसको आप वैदिक पुराण बोलिए, आपको जो बोलना है बोलिए, लेकिन साइंस और स्पिरिचुअलिटी को अलग नहीं किया जा सकता। जहां साइंस के सारे सवाल खत्म होते हैं वहां से स्पिरिचुअलिटी के जवाब शुरू होते हैं। मेरी कोशिश बहुत है इस बात की, लेकिन हम अभी पहली हमारी इंडिपेंडेंट फिल्म में बहुत खर्चा होता है, हम कोशिश कर रहे हैं अगर फिल्म थोड़ी बहुत भी चलती है तो हम उसको ज्यादा से ज्यादा भाषाओं में करेंगे। लेकिन अभी इसका ट्रेलर आया है, ये पहला ऐसा ट्रेलर है जो साइन लैंग्वेज में हमने डब किया है, ताकि बहरे लोग जो हैं उनके लिए हमने ये किया है, और फिल्म भी हम डब कर रहे हैं उसमें साइन लैंग्वेज में। 12.5 करोड़ की फिल्म है, और थोड़ा बहुत आपके सैंडविच वैंडविच जोड़ के हो सकता है थोड़ा बढ़ जाए इसका बजट, और करते करते ये 13-13.5 करोड़ की हो जाए। नागपुर आए, टिकट खरीदे, खर्चा हुआ है, तो ये सब जोड़ जाके थोड़ा और बढ़ जाएगा, लेकिन ये 12.5 से 13-13.5 करोड़ की फिल्म है। गौरतलब है द वैक्सीन वॉर एक अपकमिंग हिंदी फिल्म है जो भारत में कोविड-19 महामारी के दौरान कोवैक्सीन के विकास की सच्ची कहानी पर आधारित है। इसके निर्देशक विवेक अग्निहोत्री है और पल्लवी जोशी फिल्म के निर्माता है। इसमें नाना पाटेकर, पल्लवी जोशी, रायमा सेन, अनुपम खेर, गिरिजा ओक, निवेदिता भट्टाचार्य, सप्तमी गौड़ा और मोहन कपूर विशेष रूप से नजर आने वाले हैं। जहां जानकारी देते हुए फिल्म के निर्माता पल्लवी जोशी ने विदित किया कि तत्कालीन ICMR के डायरेक्टर जनरल बलराम भार्गव के सहयोग में कार्य करने वाली प्रिया इब्राहिम की भूमिका में मैं नजर आने वाली हूँ। साथ ही साथ उन्होंने विशेष रूप से बताया कि इस फिल्म का संदर्भ द गोइंग वायरल इस किताब से लिया गया है, और तो और सभी वैज्ञानिकों के साक्षात्कार और अनुमति से यह फिल्म चित्रित की गई है। चरित्रपट नाही आहे, कोविड काळामध्ये ही जी लस बनवण्याची पूर्ण प्रक्रिया होती त्या विषयावर त्यांनी पुस्तक लिहिलंय गोइंग व्हायरल नावाचं। त्या पुस्तकातून संदर्भ आम्ही घेतलेले आहे, आणि त्याचबरोबर जितके त्याच्यामध्ये आपले सायंटिस्ट इन्वॉल्व होते त्यांचे पर्सनल इंटरव्ह्यूज आम्ही घेतले, आणि म्हणजे त्यांचाही पॉइंट ऑफ व्ह्यू त्यावेळेला काय होता हा त्यातून आम्हाला कळला। त्याच्यामुळे फक्त आपण कधी बायोपिक म्हटलं की तो एका माणसाचा पर्स्पेक्टिव्ह, एका व्यक्तीचा पर्स्पेक्टिव्ह असतो, असं नाही आहे। याच्यामध्ये सगळ्या सायंटिस्टचा पर्स्पेक्टिव्ह आहे, आणि ॲज अ ग्रुप सगळ्यांनी मिळून कसं काम केलं त्यावेळेला
साधारण ह्या बॅकग्राऊंडवर ही फिल्म आहे. डॉक्टर बलराम भार्गव ICMR चे डिरेक्टर जनरल होते त्यावेळी. आता ते रिटायर झालेत. आता एम्समध्ये परत ते कार्डिओथोरॅसिक सर्जरीमध्ये बॅक टू हिज ओल्ड लव. त्याचप्रमाणे आपली जी नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ व्हायरॉलॉजी पुण्याला आहे, दॅट कम्स अंडर ICMR, त्याची डिरेक्टर म्हणून डॉक्टर प्रिया इब्राहिम यांची निवड झाली होती. त्या मुळात वेल्लोरच्या आहेत, मल्याळी आहेत आणि ख्रिश्चन मेडिकल कॉलेजमध्ये त्या शिकवतात आणि तिकडे कामही करतात. सो पहिल्यांदा आयुष्यात एक ॲडमिनिस्ट्रेटिव्ह जॉब त्यांनी केला आणि कोविड सुरू व्हायच्या 2 महिने आधीच का 1.5 महिना आधीच त्यांची नियुक्ती झाली होती. त्यामुळे सगळं वातावरण आणि तिथली सगळी लोकं त्यांच्यासाठी खूप नवीन होती. एक थोडासा आपल्याला काही काळ आपण कुठेतरी राहिलो की थोडा परिचय होतो लोकांशी, तोही व्हायच्या आधी एकदम सगळं त्यांच्यावरती आलं. आणि बलराम भार्गव हे अत्यंत घाई होती यांना लस बनवायची आणि राईटफुली सो, कारण आपल्याकडची जी लोकसंख्या आहे ती लक्षात घेता लस बनल्यानंतर त्याचं मॅन्युफॅक्चरिंग, मग त्याचं डिस्ट्रीब्युशन, तो रोल आउट टाइम, मग ती मेडिकल सेंटर्सपर्यंत पोहोचणं, मग त्याच्यानंतर पहिला इंजेक्शन, मग तो इन्क्युबेशन पिरियड 3 महिन्याचा का 4 महिन्याचा, मग त्याच्यानंतर दुसरी लस आणि त्याच्या 4 आठवड्यानंतर तुम्ही पूर्णपणे तुमच्यामध्ये इम्युनिटी येणार. सो हे सगळं करण्यामध्ये 135 करोड लोकांना इम्युनाइज करायचं जर आहे तर त्याच्यासाठी जो लागणारा कालावधी आहे तो प्रचंड मोठा त्यांना दिसत होता. त्यामुळे वॅक्सिन जितक्या कमी वेळात बनवता येईल तितका प्रयत्न होता. अर्थात निर्णय त्यांचा, पण त्याच्यानंतर त्यांच्या खाली जे लोक काम करतात प्रेशर त्यांच्यावरच येणार. तर प्रिया इब्राहिमला प्रचंड प्रमाणात तिच्यावरती प्रेशर होतं, तिच्यावर तिच्या त्यांच्यासमोर इम्पॉसिबल अशा टाईमलाईन्स ठेवण्यात आल्या. पण म्हणजे काय म्हणतो, गिरते पडते किसी तरह से त्यांनी ते केलं. मग त्याच्यानंतर आणि मग ती एक अशी एक चेन रिॲक्शन फॉर्म झाली की मग प्रिया इब्राहिमनी डिरेक्टर त्यांच्या अंडर ज्या होत्या डिरेक्टर प्रज्ञा यादव जी BSL 4 ची डिरेक्टर होती त्यांच्यावरती त्यांनी प्रेशर टाकलं. मग प्रज्ञा यादवनी तर डॉक्टर श्रीलक्ष्मी जी ॲनिमल व्हेटरनरियन सर्जन आहे तिच्यावरती प्रेशर टाकलं. सो अशी एक चेन रिॲक्शन फॉर्म होत गेली. पण प्रत्येक जण एव्हरीबडी परफॉर्म अंडर प्रेशर आणि 7 महिन्यात अवघ्या भारताची लस तयार झाली, सर्वात सुरक्षित आणि सर्वात सेमच आहे डॉक्टर प्रिया इब्राहिम आणि मल्याळीच कॅरेक्टर ठेवली आहे मी त्याच्यामध्ये. त्यामुळे थोडं मी एक आपलं वेगळ्या पद्धतीचं थोडं चुकीचं हिंदी बोलले त्याच्यामध्ये. कॅमेरा पर्सन अजित कुवर के साथ मनीष टेंबरे की रिपोर्ट.